आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस में हम एवरेज जीसीवी या मिक्स जीसीवी देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम एवरेज जीसीवी में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो इसमें हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर इसको हम निकाल के बताएंगे कि एवरेज जीसीवी कैसे निकलता है, राइट। उसके बाद हम जो एवरेज जीसीवी निकालेंगे उसका हम कोल प्राइस भी बताएंगे आपको। हम इसमें कोल का निकालने वाले हैं, राइट। पावर प्लांट में हम जैसे बॉयलर होता है उसमें हम अलग अलग प्रकार के कोयला जलाते हैं, उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में एवरेज जीसीवी, तो एवरेज जीसीवी से पहले हमारे पास एक वर्ड आ रहा है एवरेज। एवरेज का थोड़ा सा बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो एवरेज हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 5 है, 10 है, और उसके बाद है फिर 5 है, और 3 है, फिर 2 है, ठीक। तो हमारे पास कितना हो गया, 25 हो गया। ये हमारे पास कितना नंबर हो गया, जोड़ते हैं सबको तो 25 हो गया, लेकिन आया कितने बार, 5, राइट। उसको हम 5 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 5। मतलब यही एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, 5 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, राइट। तो एवरेज का मतलब यही होता है, हमारे पास बहुत सारे नंबर रहेंगे, सबको जोड़ेंगे, उसको जितना नंबर रहेगा उसको क्या कर देंगे, डिवाइड करते हैं, यही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। अब जीसीबी की बात करते हैं तो जीसीबी किसके लिए निकालते हैं, हम कोल के लिए निकालते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास अलग अलग कोयला रहेगा जिसका जीसीबी भी अलग अलग रहेगा, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसी को हम एवरेज जीसीबी बोलते हैं। अब जैसे कि एवरेज जीसीबी कैसा रहता है, हमारे पास इंडियन कोल है। इंडियन कोल में मान लो हम ट्रांसपोर्टिंग किससे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग हम मान लो कर रहे हैं वेगन से या हम रेल से कर रहे हैं। तो रेल से कर रहे हैं तो उसका भी क्या रहता है हमारे पास, अगर रेल से करते हैं तो तीन, एक रेल वेगन में क्या रहता है, हीप रहता है, ए बी सी, राइट। ए बी सी तीन रहता है। अगर मैं तीनों से थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ, सैंपल उठाता हूँ और तीनों का अलग अलग एनालिसिस करता हूँ, तो तीनों का भी हमारे पास क्या आएगा, जीसीबी अलग आएगा। तो मैं अगर इसको जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3। और हमारे पास जो आएगा आंसर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज जीसीबी, क्योंकि मैं जीसीबी निकाल रहा हूँ, राइट। हम एक ही वेगन से तीन अलग अलग स्पॉट से क्या लिए हैं, सिंपल लिए हैं, जिसका जीसीबी टेस्ट कर रहे हैं, राइट। मैं एवरेज का ही अभी बात बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में बताया, फिर कोल से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो तीन अलग अलग हीप से, एक ही वेगन में तीन अलग अलग हीप से अगर मैं जीसीबी के लिए सैंपल लेता हूँ तो तीनों का जीसीबी सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो तीनों को मैं क्या कर दिया हूँ, जोड़ दिया हूँ, और जोड़ने के बाद तीन से डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि तीन स्पॉट से लिए हैं, 1 2 3। जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे क्या हो जाएगा, एवरेज जीसीबी, राइट। अब इसको हम कैसे समझते हैं, क्या होता है, जनरली पावर प्लांट में बॉयलर होता है तो बॉयलर का एफिशिएंसी अलग अलग होता है। उसी चीज को हमको बचाना है या लंबे समय तक के चलाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं जनरली, तो हमारे पास क्या होता है, इंडियन जो बॉयलर है तो बॉयलर जनरली अभी हमारे पास चाइना का बना हुआ है, तो हम एक ही प्रकार का अगर उसमें कोल जलाते हैं तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या उसकी क्षमता जितना है उतना वो नहीं यूज कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें फ्यूल जलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसमें हम कोल जलाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैसे हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का जैसे हम इंडियन कोल जलाते हैं उसका ग्रेड भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। और उसके बाद उसमें इम्पोर्ट कोल, इम्पोर्ट कोल में क्या हो जाएगा, जिसको हम इंपोर्ट करके, बाहर से इंपोर्ट करके लाए हैं, उसको हम इंपोर्ट कोल बोलते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करते हैं, कंट्री से लाते हैं इंडिया में कोल को, हम उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कोल बोलते हैं, राइट। और डोलो चार हो गया, डोलो चार एक प्रकार का कोल ही है जिसमें कार्बन के परसेंटेज लगभग क्या होता है, 12 से 15% होता है, राइट। इसका हम साइज क्या लेते हैं, 8 से 10 mm लेते हैं, राइट। डोलो चार एक नया वर्ड सुनने को मिला हुआ, ये भी एक कोल के जैसा रहता है, आयरन स्पंज में मिलता है, ठीक है, आयरन स्पंज के पास ये मिलता है, इसको आपको याद रखना है। तो हमने क्या बोला कि बॉयलर की एफिशिएंसी को हमको मेंटेन करने के लिए, प्लस हमारे पास जो कास्ट है, जो क्या रहता है, बजट है, हमारे पास जो पावर प्लांट में हम ऐसा यूज करें कि हमारा बजट भी रहे और बॉयलर भी सही रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कोल को मिक्स करके एक साथ क्या करते हैं, जलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो एनर्जी जनरेट होता है वो क्या होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास लगा कितना हम जलाए हैं
उसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सबको अगर आपस में कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, मिक्स जैसे भी निकलता है, राइट। तो जैसे मैं एक शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ, 8 घंटे का एक जनरली शिफ्ट होता है। तो 8 घंटे में क्या करते हैं, जनरली हम निकालते हैं, मान लो मैं इंडियन कोल, मैं 3 अलग अलग कोल के बारे में बताऊंगा, तीनों का हम क्या करेंगे, जोड़ के एक साथ उसका निकालेंगे, ठीक है। तो इंडियन कोल मान लो क्या जहाँ किए हैं, इंडियन कोल को मैं 8 घंटा में कितना जला रहा हूँ, मान लो 150 टन, राइट। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, 150 टन, ठीक। अब इसका मैं कौन सा ग्रेड का कोयला लिया हूँ, G15 का, याद रखिएगा G15 का इसमें हम क्या लिए हैं, कोल लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, G15। और G15 का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, किलो कैलोरीफिक वैल्यू इसका होता है 3000, 2800 से 3100 होता है, लेकिन मैं कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए करके कितना ले रहा हूँ, 300, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा, याद रखिएगा इसका। अगर जीसीवी का आपको कोई यूनिट पूछे तो किलो कैलोरी पर यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडियन कोल, मैंने क्या बोला हूँ, 8 घंटे का हम एक जर्नल शिफ्ट होता है सबका, इसीलिए मैं 8 घंटे के बारे में बता रहा हूँ। 8 घंटे में हम एक एवरेज जीसीवी कितना निकालते हैं, तो इंडियन कोल सबसे पहले लिया, इंडियन कोल को 150 टन एक शिफ्ट में जनरली जलता है, जिस इंडियन कोल कौन सा लिए हम, G15, जिसका जीसीवी वैल्यू कितना होता है, 3000। अब इसका मैं पैसा की बात करता हूँ, तो G15 का प्राइस क्या है, 1050, याद रखिएगा G15 का कितना है, प्रति टन 1050 रुपये। और याद रखिएगा अभी G17 के बाद अनग्रेड हो रहा था, लेकिन अब एक ग्रेड और बढ़ गया है, G18 हो गया है, राइट। अगर आपका कोल 2000 GCV तक जाता है तो वो अनग्रेड नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था, G17 तक रहता था, 2200 जाता था हमारा, तो 2200 के बाद जो गया वो हमारा क्या हो जाता था, अनग्रेड। बट अभी 2000 तक जाता है वो हमारे ग्रेड में आ जाता है, इसको भी एक नया इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा मैं याद यूँ करता हूँ, इम्पोर्ट कॉल, ठीक है। इम्पोर्ट कॉल में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इम्पोर्ट कॉल में क्या जलाता हूँ, 50 टन, राइट। कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 टन। और ये इम्पोर्ट कॉल को मैं कितना ग्रेड का जलाता हूँ, G7 का जलाता हूँ, याद रखिएगा G7, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 5500, ठीक है, 5500। अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 3050 रुपये, याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 3050 रुपये। अगर इसका मैं प्राइस का बात करता हूँ तो 3050, उसका देखो जो 3000 किलो कैलोरी का था उसका कितना था हमारे पास, 1050 रुपये। अब मैं डोलो चार को देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, डोलो चार को मान लो कितना जलाते हैं, 200 टन, ठीक है। इसका मान लो कितना लेते हैं जीसीवी, इसका लेते हैं हम 2200, राइट। 2200 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये G17 हो जाएगा, ठीक है, G17। इसका 910 रुपये होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 910 रुपये होता है, राइट। या इसको मैं ठीक है, G17 का कितना हो जाएगा, ये 910 रुपये इसका टन होता है। मैं अब इसको क्या करूंगा, टोटल कैलकुलेट करूंगा, याद रखिएगा हमने 8 घंटा के क्या किए हैं, शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले अगर 8 घंटे में इंडियन कोल को लेते हैं, तीनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, बॉयलर में डालते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंडियन कोल को हमने 150 टन जलाए हैं, जिसका कौन सा ग्रेड लिए हैं, मान लो उसका हम G15 लिए हैं, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 3000 होता है, राइट। और उसका प्राइस का देखते हैं तो 1050 रुपये होता है। दूसरा मैं इम्पोर्ट कोल, जिसको आप चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, कहीं से भी लाओ, इम्पोर्ट करके लाए हैं बाहर से, उसको मान लो 50 टन, जिसका जीसीवी कितना है, या ग्रेड G7 है, कैलोरीफिक वैल्यू कितना हो जाएगा, 5500, जिसका प्राइस देखते हैं तो 3050 रुपये, राइट। और फिर लास्ट में हम डोलो चार बताया था, ये कार्बन जैसा है, इसमें आयरन में पाया जाता है, कार्बन की परसेंट 12 से 15% होता है, इसको मैं G17 का मान लो 2200 GCV का इसको मैं जला रहा हूँ, तो टोटल हम देखते हैं तो कितना टन हमारे 8 घंटे में जल पाया, तो 400, कितना टन जला, तो 400 टन जला। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एवरेज जो कोयले का जो हमारे पास खपत है वो हो गया, राइट। अब इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीसीवी है, जीसीवी है, ये ग्रेड है, और ये हमारे पास जो कोल है, कोल कंबसन करा रहे हैं हम 8 घंटे में, वो है। तो हमको क्या निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। ये क्या करना है, हमको निकालना है,
कि एवरेज जीसीवी होता क्या है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है। फार्मूला में क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो 150 टन है उसको हम क्या करेंगे, 103,000 जो जीसीवी है उससे हम गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, तो 5,000 × 5,500 से। फिर क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे 2,000 + 2,200 को गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम 400 टन से करेंगे। 400 टन जो कोयला हम जलाए हैं उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो देखते हैं कैसे। 150 क्या है, इंडियन कोल है, जिसका जीसीवी कितना है, जीसीवी है याद रखिएगा 3,000। ये 3,000 हो गया, ये कोष्टक में हम क्या करते हैं, फिर प्लस क्या करना है, जोड़ना है। फिर हमारे पास क्या है, इंपोर्ट कोल है, 50 × कितना हो जाएगा हमारे पास, 5,500। 5,500 क्या है, हमारे पास जीसीवी का वैल्यू है, राइट। अब ये हो गया, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है, 200 टन किसका है, डोरोचार का, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,200। ये क्या हो जाएगा, 2,200। अगर मैं सबको क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, राइट। अब उसके बाद ये क्या करना है, सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, 400 से भाग करना है। अगर सबको मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं भाग करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना आता है, 3,065.5 किलो कैलोरी पर केजी। ये हमारे पास क्या आता है, एवरेज जीसीवी आता है, राइट। एवरेज जीसीवी का ऐसा, ये क्या है हमारे पास, एवरेज जीसीवी का यही फार्मूला होता है, ठीक है। एवरेज जीसीवी का ये ऐसा आपके पास आएगा, तो 3,065 रुपये, 3,065। अब इसका प्राइस क्या है, ये 3,065 मतलब कितना हो जाएगा, G15 होगा, याद रखिएगा, G15 का ये कोल हो जाएगा। अगर मैं टोटल अगर देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, G15 का, जिसका कोल प्राइस कितना है, 1,065.50 रुपये। तो देखिए इसमें, ठीक है, इसमें हम क्या क्या बचा पाए, तो इसमें देखिएगा, मैं अलग अलग अगर कोल लेता हूँ तो हमारे जो बॉयलर का है वो हमारे पास एफिशिएंसी बच गया, ठीक है, उसका हम जो लाइफ टाइम है उसको बढ़ा पाए। और उसके बाद जो हमारे पास जो कास्ट है, मनी है, उसको भी बचा पाए। कैसे बचाए, जैसे कि अगर मैं टोटल G7 का अगर कोयला जलाऊंगा तो हमारा बॉयलर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कास्ट भी देखिए, 5,500 कैलोरी का कितना है, 3,050 रुपये है, जिसको मैं अगर पूरा 400 टन अगर G7 का ही जलाऊंगा तो कितना हमको कॉस्ट लगेगा, है ना। और उसके बाद अगर मैं केवल G15 का भी जलाऊंगा तो वो भी बॉयलर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका प्राइस क्या है, बहुत कम है, कितना है, 1,050 रुपये है। तो मैं क्या करता हूँ, मिक्स, जनरली हर पावर प्लांट में क्या होता है, मिक्स करके ही जलाते हैं। अभी तो क्या हो गया है, आप 100% इंडियन कोल नहीं चला सकते हैं, या 100% आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेड कोल को भी नहीं जला सकते, क्योंकि इम्पोर्टेड कोल को जलाने के लिए हमारे पास जो बॉयलर का एफिशिएंसी है वो क्या करेगा, वो आपको अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, आपको उसमें इंडियन कोल मिलाना ही पड़ता है। इसीलिए सबको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होता है, हमारा जो बचत है वो भी बनता है। जैसे कि हमारे पास ये 400 टन हम कोयला जलाए हैं वो अलग अलग ग्रेड का है, अलग अलग क्वालिटी का है, राइट। और जो हम उसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास G15 का कोल बन गया, और ये पूरे 400 का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो 1,050 रुपये के प्रति टन के हिसाब से ये क्या हुआ है, जिन लगा है हमको। ये G7 भी है इसमें, G15 भी है इसमें, G17 भी है इसमें, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अपना एवरेज जीसीवी निकालते हैं, राइट। तो इसमें हम देखें क्या क्या है, एक बार मैं सरस्वती तौर पर आपको रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेनली बॉयलर का एफिशिएंसी को हम बनाए रखने के लिए, उसकी लाइफ टाइम को बनाए रखने के लिए, और दूसरा हम पैसे कम बचत के लिए, ठीक है, जितना कम हो सके हमारा पैसा खर्च हो, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका एवरेज जैसे निकालते हैं, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कोल यूज करते हैं, इंडियन कोल। इसमें हम दो अलग अलग वासरी का भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वासरी का कोल हो सकता है, इंडियन कोल में ही आएगा वो, इंपोर्ट कोल जिसको बाहर से मंगाए हैं, डोलोचार कोले जैसा है, ठीक। तीनों को मैं अलग अलग क्या करता हूँ, क्वांटिटी में लेता हूँ। ये मैं 8 घंटे का बता रहा हूँ, राइट। 8 घंटे में क्या होता है, एक शिफ्ट होता है, वो अपना एवरेज जैसे भी निकाल के चला जाता है, फिर दूसरी भी देता है। उसी प्रकार क्या कर रहे हैं, ये पूरा निकाले, और जीसीबी का अलग अलग मैं देखा कि इसका ये जीसीबी है, इसका ये जीसीबी है, सबको अगर मैं मिक्स करता हूँ तो उसके बाद जो फार्मूला लगाया, ये फार्मूला ही मेन है, उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, एवरेज जीसीवी निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 2,500 भी लेता हूँ ना, ये 2,500, ठीक है, ये 2,500 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 1,050 रुपये का कोल
टन से ही हमारे पास ये क्या जला है, ये पूरा कोयला जला है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज जीसीबी बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।